आपके लिए एक अभ्यास लेकर आए हैं। क्या है? रेखांकित स्थान पर अंक की मात्रा लगाइए। आपने क से ज्ञातक अंक की मात्रा लगाना सीखा, अंक की मात्रा के शब्दों को पढ़ना भी सीखा। अब देखिए, आपको यहाँ कुछ शब्द दिख रहे हैं, इसमें आपको एक ये देखिए रेखा दिख रही है, जिस वर्ड के नीचे ये रेखा है आपको उस वर्ड के ऊपर अंक की मात्रा लगानी है। किस तरह? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुदन। अब कुदन तो कुछ होता ही नहीं, पहले हम क्या करेंगे, रेखांकित स्थान पर अंक की मात्रा लगा देते हैं। देखिए कु तो लिखा है, हमने यहाँ लगा ली अंक की मात्रा, उसके बाद द न। अब देखिए अब ये क्या बन गया अंक की मात्रा लगाकर, कुंदन। स्वर जो है उसमें अंक की मात्रा का आ जाएगा, कुंदन कुंदन। उसी तरह ये देखिए यहाँ हम ग पर लगाएंगे अंक की मात्रा, क्योंकि ग के नीचे रेखा बनी हुई है। ये देखिए अब है यहाँ गा, देखिए ये हमने गा लिखा। अब इसको पढ़िए, ग था अंक की मात्रा आके क्या बन गया, गम। और ये क्या है, गा, क्योंकि इस पर आ की मात्रा है, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, गंगा। अब ये देखिए व, व पर हमें यह अंक की मात्रा लगानी है, क्योंकि व के नीचे रेखा है। व था क्या हो गया, ये वन। उसके बाद द ना, क्या पढ़ेंगे हम इसको, वंदना वंदना। ये देखिए ये क्या है, च। यहाँ च के नीचे रेखा है, यानी कि च पर लगाएंगे अंक की मात्रा। और उसके बाद दा, देखिए च था, च पर अंक की मात्रा लगा क्या बन गया, चन। और ये है दा, चंदा। ओके, देखिए समझ में आया आपको किस तरह रेखांकित वर्ण के नीचे अंक की मात्रा लगाते हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको एक शीट मिलेगी जिसमें कुछ शब्द ऐसे ही लिखे होंगे, आपको उन्हें देखना है और रेखांकित स्थान जो होगा उसमें उस वर्ण के ऊपर अंक की मात्रा लगानी है और उसके बाद उन शब्दों को पढ़ना है। ओके, बाय बाय।